सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, खेतीगाड़ी एग्री टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रवीण। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्री और मैकेनिज्म इंडस्ट्री के अपडेट्स। बिग बाजार के समेत अपने रिटेल व्यापार के माध्यम से फ्यूचर ग्रुप भारतीय उपभोक्ता और अफगानिस्तान हॉर्टिकल्चर उत्पादकों को आपसी लाभ प्रदान करने के लिए UAIDC हॉर्टिकल्चर और कृषि विपणन कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। सरकार ने किसानों को MSP सुनिश्चित करने के लिए 15,053 करोड़ रुपये की योजना घोषित की है। भारत इस साल पिछले साल के तुलना में बेहतर फसल का उत्पादन देख सकता है, इसलिए कि खरीफ सीजन में पिछले साल 103 मिलियन हेक्टर के मुकाबले 104 मिलियन हेक्टर में इस साल प्रमुख फसलें लगाई गई। आंध्र सरकार ने राज्य में ग्लाइफोसेट फॉर्मुलेशन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। ग्लाइफोसेट एक सामान्य रूप से तृण और घास को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केरल में हुई अतिवृष्टि के कारण इस साल दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन 25 मिलियन किलोग्राम से कम हो सकता है। सरकार ने AFO के साथ 5 राज्यों में हरित कृषि योजना 33.5 मिलियन US डॉलर के अनुदान के साथ शुरू की है। इस प्रोजेक्ट को GEF ने फंड किया है और इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन कर रहा है। सरकार ने दीर्घकालीन सिंचाई फंड के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 93 प्राथमिक सिंचाई परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मंजूर की है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बुआई और फसल काटने में सुधार करने में मदद हो, इसलिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक नए ट्रैक्टर पर काम कर रही है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से कम रहेगी। कंपनी को उम्मीद है कि छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकृत खेती करने के लिए इससे प्रोत्साहित किया जाएगा। नए एग्री और मैकेनिज्म इंडस्ट्री के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे खेतीगाड़ी चैनल के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करो खेतीगाड़ी चैनल को। जय जवान, जय किसान। किसान की उन्नति ही देश की उन्नति।